होटल्स में क्या है कि आपको अपना प्राइवेट स्पेस मिल जाता है, हॉस्टल में बेसिकली जो बेड्स मिलते हैं आपको सिर्फ सोने के लिए बेड्स मिलते हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल योगी। मेरा नाम है रवि शर्मा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज मुसाफिर हॉस्टल उदयपुर का। ये हॉस्टल काफ़ी चीप है और काफ़ी बेस्ट है, तो आप मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आपको हॉस्टल दिखाना। तो अभी मैं हूँ मुसाफिर हॉस्टल के रिसेप्शन पर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मुसाफिर हॉस्टल। यहाँ पर सामने लिखा है हेलो और साथ में ये ज़बरदस्त ब्यूटीफुल बल्ब लगे हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्य के साथ हॉस्टल का पूरा टूर करेंगे। तो अभी लक्ष्य मुझे बाहर से पूरा विजिट कराएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं अच्छे से। बेसिकली दिस इज द मेन एग्जिट एंड एंट्री डोर। ओके, जो भी अभी आप देख रहे हैं ये है इसका फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे सामने रूम्स बने हैं, डॉर्म बने हैं। आयरन एंड टेबल, बेसिकली दिस इज अ 6 बेडेड नॉन इकोनॉमिक्स, बट सॉरी अभी थोड़ा कॉजी है बिकॉज अभी चेकआउट हुआ है, अभी क्लीन होगा, देन मैं आपको एक बार और दोबारा से दिखा दूँगा। बट दिस इज अ 6 बेडेड एसी डोमेट्री। एंड कॉमन वॉशरूम, कॉमन किचन लाइक आरओ, इंडेक्स। आप देख सकते हैं इसमें इंडक्शन वगैरह रखा हुआ है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आरओ है, फ्री पानी, फ्रिज रखा हुआ है, यू कैन यूज़। ओके, ये रिव्यू वॉल्स है, आप कोई भी रिव्यू देना चाहते हैं तो रिव्यू वॉल्स यहाँ पर आप रिव्यू कर सकते हैं अपना। दिस इज द बैठक, दिस इज कॉमन रूम कॉल्ड एज बैठक। अब इंडोर एक्टिविटीज, इंडोर गेम्स, देन वी हैव कॉजी एरिया फॉर रीडिंग बुक्स, देन वी हैव गेम्स लाइक कैरम, लूडो, चेस, डाइस एंड ऑल। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक हारमोनियम रखा हुआ है जिसको आप बजा सकते हैं, आपको बजाना आता है तो। एक यहाँ पे रखा हुआ है ये गिटार। इस तरह की यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो मतलब आपको बिल्कुल फील आएगा कि हाँ आप कहीं आए हैं। आप कुछ भी ना करें, आप यहीं पे रहें दिन भर तो भी आपका मन लगा रहेगा, आपका ऐसा नहीं लगेगा कि आपको मन नहीं लग रहा है। तो और क्या चाहिए आपको, एक हॉस्टल में इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है। अभी मैं आपको, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक और ऐसी जगह। एक कॉमन रूम के अलावा इनके पास एक और कॉमन रूम है मेरे सामने, आप देख रहे हैं। आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर गेम्स, देन यू एंजॉय लिकर, स्मोक एंड ऑल। बेसिकली दिस इज अ लेक व्यू, दिस इज अ लेक कॉल्ड एज पिचोला। ओके, एंड हियर वी हैव अ श्री विलास रिजॉर्ट, लेट्स कम, वी हैव अ रूफटॉप कैफे आल्सो, लेट्स चेक आउट। और ये अभी भी ये हॉस्टल ख़त्म नहीं हुआ है, और इसमें एक और ऊपर रूफ टॉप पे कैफे है जो इसी का पार्ट है, और आप वहाँ पर भी बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। हमारा मेन कैफे स्टार्ट हो जाता है। एंड हियर वी हैव अ इन हाउस बार। ओके, तो मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं एक और व्यू जहाँ से भी आप बैठ के आराम से कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं बैठने के लिए। तो अभी मेरे भाई सामने बैठे हैं, काम कर रहे हैं अपना। भाई अपना नाम बताइए। अमे मालुस्कर। अभी मालुस्कर, अभी मालुस्कर भी वीडियो बनाते हैं बड़ी अच्छी सिनेमैटिक। मैंने कहा यूट्यूब चैनल का लिंक इसके में डाल दूंगा। या डू फॉलो स्क्रॉल तेरी। ओके, सो आपको ये हॉस्टल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस बताइए। अच्छा लगा, मतलब मेरा ये सेकंड टाइम हॉस्टल में रुकने का। okay. पहले मैं गोवा में रुका था, पीजी हॉस्टल्स में। इट फील्स गुड हियर, अच्छा है, थोड़ा सा एंबियंस भी अच्छा है। इट्स गुड, ओवरऑल इज गुड, नाइस, अच्छी चल रही है ट्रिप, और दो चार दिन है भाई के साथ में, मजे कर लूंगा और भाई के साथ। ओके, ओके, तो अपना काम कर रहे हैं देखो, तो आप भी अपने काम के साथ साथ
अपना घूम भी सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। दिल्ली के लोंडे वॉशिंग एरिया। ओके, तो आप यहाँ पे वॉश कर सकते हो, वॉशिंग मशीन रखी हुई है, आप यूज कर सकते हो। एक गर्म पानी के लिए लगाए गए हैं। वेस्ट लाइट, इसलिए जो सनसेट होता है वो वेस्ट की साइड होता है। ओके, आप लोग यहाँ से अपना सनसेट इंजॉय कर सकते हैं। देन हियर वी हैव अ सज्जनगढ़, हाईएस्ट पीक ऑफ उदयपुर। ओके, आपको वहाँ से पूरे उदयपुर का 360 व्यू कवर हो सकता है। एंड देन हियर वी हैव अ मैनमेड लेक, लेक पिचोला। एंड हियर वी हैव अ फाइव स्टार प्रॉपर्टीज लाइक अब्रोय, ट्राइडेंट, चुंडा पैलेस, लीला एंड सम अदर्स। देन वी हियर वी हैव अ कन्नी माता टेम्पल, देन सिटी पैलेस, then Jagdish temple, okay, and here we have a Neemuch Mata temple also, okay, that peak, okay, and aapko yahan se pura old city ka 360 view, then aapko tourist place ka 360 view, aapko pura 360 view mil jayega, then aap yahan pe enjoy kar sakte hain, we have a cafe also, and aapko yahan pe liquor, smoke and sab kuch aap enjoy kar sakte hain, don't worry, sab kuch allow hai, yeah, to mujhe abhi लक्ष्य ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा पूरा पूरा कैफ़े एंड हॉस्टल, सो आप यहाँ पे आके काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। सो आपको क्या, आपके क्या रिव्यूज़ हैं इसको लेके, क्या कहना चाहते हैं आप? एक्चुअली क्या है, बेसिक मुसाफिर हॉस्टल में आपको कैसा फील आता है? एक्चुअली क्या है, मुझे तो मेरा दूसरा घर ही है एक तरह से। मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए, मुझे डिफरेंस पता चल गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉस्टल्स। हॉटल्स में क्या है कि आपको अपना प्राइवेट स्पेस मिल जाता है, हॉस्टल में बेसिकली जो बेड्स मिलते हैं आपको सिर्फ सोने के लिए बेड्स मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे वी हैव कॉमन एरिया, कॉमन रूम्स, जैसे मैंने आपको दिखाया सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, आप लोगों ने देखा, तो बैठने के लिए ही आप वहाँ पे हम चिल करते हैं, लाइक जैमिंग एंड बॉन फायर्स एंड सम इवेंट्स एंड ऑल। बाकी गेम्स भी हो गए लाइक प्लेइंग कार्ड्स, कैरम्स एंड ऑल। तो जब से बोल रहा है कि केवल बेड यहाँ पे सोने के लिए मिलते हैं, बाकी टाइम आप बेड यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, बाकी आप कॉमन एरिया में बैठिए, एंजॉय कीजिए, खेलिए, कुछ भी कीजिए, बैठिए, बातें कीजिए, नए फ्रेंड्स बनाइए, उसके लिए आप हॉस्टल में आइए, आप नए फ्रेंड्स बनाइए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और लक्ष्य भाई ने कैसा एक्सप्लेन करा वो भी ज़रूर मुझे बताना। तो मिलते हैं आपको इसी तरह की अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको इसी अगले वीडियो में। मुसाफिर हॉस्टल के ऊपर की तरफ एक रेस्टोरेंट है जिसमें अभी मैं हूँ, रूपटॉप रेस्टोरेंट है और काफ़ी कमाल का है। ये भी हॉस्टल का ही पार्ट है और यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी कर सकते हो, और काफ़ी सारे सीट अरेंजमेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ का जो व्यू है वो तो कुछ कमाल ही है। यहाँ पे मीन्स बेड्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे आप लेट सकते हो, बैठ सकते हो, ऐसे इंजॉय कर सकते हो मेरी तरह। एंड इसके साथ साथ तो व्यू देखिए आप, कैसा व्यू है यहाँ से। अगर बात की जाए मुसाफिर में ब्रेकफास्ट की, तो आपको यहाँ पे पराठे मिल जाएंगे, पोहा मिल जाएगा, तो अभी मैंने लिया यहाँ पे आलू पनीर का पराठा, इसकी स्टफिंग काफ़ी अच्छी स्टफिंग की है पनीर की, वेरी अमेजिंग। एंड आप यहाँ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, आई थिंक पराठा 80 या 100 के आसपास है, तो आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट ज़रूर ट्राई करें। सच में आलू का पराठा बड़ा अच्छा है।